तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल फर्स्ट अप्रोच में स्वागत है। आशा करता हूं कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटीग्रल के बारे में, आप कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज को पढ़ रहे हैं और जो है क्वेश्चन आपको अच्छे से जो है समझ आ रहे हैं। और आपको जो टारगेट दिया गया है 1 मंथ का, लगभग 700 क्वेश्चन का सिर्फ इंटीग्रल का, वो आप जरूर जो है इस मंथ जो है पूरे कंप्लीट मंथ में अचीव करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स डीएक्स। जितना क्वेश्चन देखने में आसान है उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसान है। बस हल्का सा याद रखिएगा, हल्का सा सोचना पड़ेगा, हल्का सा सोचना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन का। क्या है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। अब आपको होगा कि यार ये तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं, ये तो कई तो इसका आंसर डायरेक्ट 1/x कर देंगे, वो हो जाएगा गलत। ठीक है, वो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि 1/x उसकी डिफरेंशिएशन होती है। 1/x क्या होती है? इसकी डिफरेंशिएशन। तो ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन में गलतियों से बचना है, आपको अपने रूल पे चलना है, जो आपने रूल सीखे हैं रूल के बाहर नहीं जाना है। ठीक है, आपको फॉर्मूला आता है इसका? जी नहीं, हमें फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने पढ़ा है और आप देख भी सकते हो कि इसे और क्या सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी सॉल्व है लॉग एक्स को, और क्या सॉल्व करेंगे हम? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे मैं लिख दूंगा लॉग एक्स डॉट 1 dx, लिख सकता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब लगा दूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड। क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कितना बनाइए? log x डॉट x माइनस x के साथ x, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस c, x कॉमन आ जाएगा, कितना आ गया हमारे पास? आ गया log x माइनस 1 प्लस c विल बी अवर राइट आंसर। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन एग्जाम में आपको ये कंफ्यूज कर सकता था। चार ऑप्शन होते जिसमें एक ऑप्शन ये होता, एक ऑप्शन 1/x होता, या कोई x की पावर -1 होता, x की पावर -2 होता, आप कंफ्यूज हो जाते। क्यों कंफ्यूज होते? क्योंकि आपने देखना था कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, हमने तो सीखा है कि इंटीग्रेंट को सॉल्व करना है उस हद तक जहां तक फॉर्मूला बन जाए। अब लॉग एक्स को कितना और सॉल्व करेंगे, तो ऑलरेडी सॉल्वड है और इसका फॉर्मूला भी हमें नहीं आता, तो अब किया तो क्या किया जाए? हमने क्या किया, सिंपल हमने 1 ऐड किया और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर दिया। बस इसी तरीके से आपको एग्जाम में सोचना है, जो रूल्स आपको बताए गए हैं उनको फॉलो करना है, तो क्वेश्चन ठीक होगा, खुद से वहां पर तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नए टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इनटू सिकेंट एक्स इंटू 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स डी एक्स इट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? अब ध्यान से देखिए, हमने उन्हीं मेथड से चलना है जो आपको बताए गए हैं। सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, हम देखेंगे क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है सिकेंट एक्स का, कोई फॉर्मूला? जी नहीं। टेन एक्स का? जी नहीं। सिकेंट स्केयर का था हमारे पास फॉर्मूला। ठीक, तो वो तो अप्रोच कामयाब नहीं होगी। उसके बाद दो फॉर्मूले और बताए गए हैं आपको, सामने देखिए क्या ये अप्लाई हो रहे हैं, एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स है? जी नहीं। फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई नहीं हो रहा। फॉर्मूला नंबर 2 देखिए क्या अप्लाई हो रहा है, एफ ऑफ एन एक्स डॉट एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर तो एक्सपोनेंशियल है, एफ डैश आगे तो नहीं बन रहा। अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो यहाँ पर सिकेंट एक्स प्लस सिकेंट एक्स टेन एक्स आएगा, तो नहीं बन रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए secant x plus secant x tangent x फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन क्योंकि d dx of secant x tangent x, लेकिन एक्सपोनेंशियल भी साथ में है, एक्सपोनेंशियल भी साथ में चल रहा है, तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा। अब तीसरा, अब देखिए अब तीसरे अप्रोच की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये दोनों तो नहीं लग रहे, ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी इतना सॉल्व है ये। ठीक है, तो अब तीसरा को एक और मैं आपको बताता हूं अप्रोच। इसके बाद जब भी एग्जाम में अगर एक्सपोनेंशियल आपको दिखेगा, एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में अगर आपको दिखेगा, सबसे पहले आपने इस फार्मूले के बारे में सोचना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस
एफ डैश एक्स इट इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सबसे पहले ये अब अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए कि जब भी एग्जाम के में जो भी इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन आएगा अगर उसमें कहीं पर एक्सपोनेंशियल होगा तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि कहीं ये अप्लाई तो नहीं हो रहा। हाँ ये अप्लाई नहीं हो रहा हो फिर सॉल्व करें, आप एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन में नई चीज ऐड करवा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब वन बाय वन चलोगे ना क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं, e की पावर x इन टू सीकेंट x प्लस सीकेंट x डॉट टेंजेंट x dx। अब देखिए फॉर्मूला बन गया f ऑफ x प्लस f डैश x, सीकेंट x की डिफरेंशिएशन सीकेंट x टेंजेंट x होता है, फॉर्मूला नंबर वन याद होना चाहिए। दूसरा अप्रोचेस बता रहा हूं कि कैसे कैसे सोचना है। अब एक अप्रोच ऐड कर दी, क्या की ऐड की कि जब भी एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन में होगा सबसे पहले ये फॉर्मूला सोचना है कि कहीं ये अप्लाई तो नहीं हो रहा। अप्लाई हो गया बहुत अच्छी बात है, अप्लाई नहीं हुआ फिर दूसरे फॉर्मूला की तरफ चल, किसमें एक्सपोनेंशियल वाले। ठीक है, हो गया तो कितना आ गया इंटीग्रेशन e की x f of x plus f dash x, आंसर आ गया e की पावर x secant of x plus c will be our right answer। क्वेश्चन देखने में पहाड़ जितना है लेकिन सॉल्व एक स्टेप में हुआ, किसकी वजह से हुआ, इस फॉर्मूला की वजह से। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप पढ़ोगे फॉर्मूले अपने आप याद। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से e की x इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस f डैश x, बस सिंपल हमने अंदर मल्टीप्लाई किया आंसर निकलता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी फॉर्मूला पे ताकि आपको एग्जाम में जो है हेल्प मिले इस क्वेश्चन को करने की। ध्यान से देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x हमारे पास है साइन x प्लस कॉस x dx। अभी तो आप डायरेक्ट आंसर कर लोगे लेकिन एग्जाम में जब ये ऐसा क्वेश्चन आपको देखेगा तो आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे। तो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं क्या देखिएगा, हमने अभी तक सीखा कि इंटीग्रेंट को सॉल्व करते हैं वहां तक जहां तक हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। अब मैंने आज आपको एक चीज ऐड करवाई कि अगर कहीं क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल होगा तो अपने सबसे पहले इस फॉर्मूले को याद करना है। सभी से पहले ये अप्रोच अप्लाई करनी है एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन में। अगर ये फॉर्मूला लग गया वेल एंड गुड है, ये वो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ फिर आपने दूसरे तरीकों की तरफ जाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ए की एक्स साइन एक्स साइन की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो देख के आप आंसर बता सकते हो ए की पावर साइन एक्स प्लस सी। क्यों बताया, क्योंकि फॉर्मूला आपको आता था और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन में होता तो आप जो है सबसे पहले यही अप्रोच को अप्लाई करना है जो फॉर्मूला आपको बताया गया। तो इसके साथ अब इस फॉर्मूला को भी ऐड कीजिएगा नोट्स में। ठीक है, और हाँ जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे ना तो ये सारी चीजें कंबाइन होके आएंगे आपके सामने, फिर पता चलेगा कि आपने कितना याद रखा है और आप अप्रोचेस को कैसे लगा रहे हो, कैसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर रहे हो, तभी बात बनेगी। अदरवाइज आप यहाँ पर सिर्फ देख रहे हो इन क्वेश्चन को तो उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए फिर उसके बाद उसे सॉल्व कीजिए खुद से, तभी फायदा मिलेगा आपको। अपने हाथ से लिखना है इंटीग्रेशन तभी याद रहेगी आपको। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसी के ऊपर आधारित है इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिए e की x इंटू वन ओवर x माइनस वन ओवर x स्क्वायर dx। देखने पर ही फटाफट बता दो आंसर, बता दीजिए आंसर कितना आएगा, आंसर बताएं 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 फटाफट। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आपको पता लग गया कि जब भी एक्सपोनेंशियल आएगा सबसे पहले ये फॉर्मूला सोचना है उसके बाद दूसरे फॉर्मूला पर जाना है, अगर ये काम ना कर। लेकिन ये यहाँ पर काम कर गया, आंसर कितना आ गया e की पावर वन ओवर एक्स प्लस सी, दैट इज e की पावर एक्स ओवर एक्स प्लस सी विल बी अवर राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस एक ही काम है यहाँ पर कि आपको फॉर्मूले आने चाहिए और जितने भी फॉर्मूले इंटीग्रेशन में अभी तक बताए गए हैं उन्हें अच्छे से याद कीजिएगा। अभी थोड़े से और फॉर्मूले आगे आने वाले हैं ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले, और ज्यादातर क्या होता है एग्जामिनर एक तो सिंपल क्वेश्चन डालेगा और इन फॉर्मूला के बेस्ड इनके ऊपर डालेगा, वो चेक करेगा आपको नॉलेज है या नहीं अदरवाइज, क्योंकि आपने खुद देखा कितना लंबा लंबे क्वेश्चन है लेकिन अगर फॉर्मूला याद है एक स्टेप में आंसर निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिए
इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स सी की एक्स डीएक्स, ये किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स सी की एक्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या अप्रोचेज है हमारे कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? जी हाँ, डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन हो जाएगी। अभी हमने किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एक्स होगा, दिस विल बी अवर सेकंड फंक्शन। क्या आ गया? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यही आएगा ना? कितना आ गया? एक्स ई की एक्स माइनस ए की एक्स। तो सॉल्व करेंगे, ई की पावर एक्स कॉमन, एक्स माइनस वन। अब ध्यान रखना लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है। अप्लाई करते हैं ई इन टू 1 माइनस 1, अपर लिमिट, अपर लिमिट डाल दी, माइनस लोअर लिमिट ई की पावर 0 इन टू 0 माइनस 1। तो ई इन टू 0 0 माइनस ई की 0 1 इन टू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 1 दैट इज 1 विल बी अवर राइट आंसर। तो क्या बना, क्या बना इस इंटीग्रेशन का आंसर आपके सामने है? इट इज इक्वल टू 1 विल बी अवर राइट आंसर। जिस ऑप्शन में 1 होगा उसे सिलेक्ट करना है, वहां पर गोला लगा। क्या था क्वेश्चन? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कब होंगे वो ऑलरेडी आपको बार बार बता दिए गए, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, आप ही से करवाऊंगा। देखिएगा इंटीग्रेशन 0 to 2/3 डीएक्स ओवर 9 + 4x² डीएक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कीजिएगा फटाफट। कैसे करना है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन को देख के ही आपको बताना है। अप्रोचेस सभी आपको बता दी गई है, फॉर्मूलाज आपको बता दिए गए हैं, तो मैं करवाता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, करवा देता हूँ मैं डायरेक्ट। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल देख के आपको पता लग रहा है, देख के आप बता दोगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से देखिएगा, डीएक्स ओवर 9 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या है यही है क्वेश्चन, एक बार चेक करने दीजिएगा। हाँ, यहां पर क्वेश्चन है 4 + 9x², ठीक है, मैंने क्या कॉमन ले लिया, तो यहां पर आया 1 + 9/4x². ध्यान से देखिए मैं कर क्या रहा हूं, अभी आपको क्लियर होगा। कितना बना? 1 + 3/2x² अब आपको पता है 1/1 + x² किसकी डिफ्रेंसिएशन होती है, टेन इनवर्स एक्स के। तो इसके इंटीग्रेशन कितनी होगी बताइएगा फटाफट, 1/4 × tangent inverse x। x कितना है? 3/2x, लेकिन लिमिट कहां से कहां तक है? 0 to 2/3, 0 to 2/3 बस, क्योंकि देखिए फॉर्मूला बना हमारे पास, ये क्या फॉर्मूला था, ये था 1/1 + x² dx, जहां पर x क्या है, 3/2x, ये तो हमें पता है कि tan इनवर्स x होती है, ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट किया इसे। अब बस लिमिट पुट करने के बाद ये 1/4 × अपर लिमिट कितना आएगा, टेंजेंट इनवर्स 3/2 2/3, मतलब 1 आ गया, माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, वो तो 0 रहता है, तो कितना आ गया 1/4 × टेंजेंट इनवर्स 1, 1 कितने पे होगा, π/4 पे, दैट इज π/16 विल बी अवर राइट आंसर, π/16 विल बी अवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन ठीक है या कहीं पर गड़बड़ी हुई, क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में गलती है और आप में से किसी ने गलती नहीं पकड़ी, क्यों, कहां पर गलती की हमने, बस देखिए गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, हमारे द्वारा यहां पर गलती हुई है। ध्यान से देखिएगा कहां पर गलती हुई, जब हमने इसे इंटीग्रेट किया, हमसे गलती हो चुकी है, जब हमने इंटीग्रेट किया तो कितना आना, हमने इंटीग्रेशन गलत की इसकी, क्यों गलत की, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको समझा देता हूं, साइन ऑफ 3x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, -cos 3x/3, ये भी तो उसका डिफरेंशिएशन होगी, लेकिन यहां पर हमने तो की नहीं, डिवाइडेड बाय 3/2x भी तो आना था, दैट इज 3/2, ये आना था या नहीं आना था, बिल्कुल आना था, तो इससे क्या हुआ, 2 1 2 2 2 4, दैट इज यहां पर आता 1/6, यहां पर आता 1/6, तो आंसर कितना बनता, 6 × 24 π/24 विल बी अवर राइट आंसर। तो इस इन गलतियों से देखिए एग्जामिनेशन में बचना क्या,
और मैं कह सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की यहाँ पर ये गलती हो ही होगी। अभी आप खुद को चेक कीजिए कि आपने अपनी ये इंटीग्रेशन ठीक की, कि आपने मेरी गलती पकड़ी? जी नहीं, आपने गलती नहीं पकड़ी। लेकिन अब मैं मान सकता हूं कि अभी हमने गलती को ढूंढ लिया, तो अब लाइफ लॉन्ग ये गलती हमसे एग्जाम में नहीं होगी, ये मान के चलिएगा। ऐसा ही होता है, यही तो लिखने का फायदा है। जब हमने एक बार लिख दिया, हमने गलती कर दी और गलती को फिर सुधार दिया, तो अब ये मान के चलिए ये वाली गलती एटलीस्ट एग्जाम में हम नहीं करेंगे। और आपने देखा कितनी माइनर सी गलती थी और इंपॉर्टेंट गलती थी, आंसर पूरा का पूरा गलत हो गया। पाई ओवर 24 आंसर था, लेकिन हमारा आया था पाई ओवर 16, और कहीं पाई ओवर 16 के ऑप्शन में होता, हम डायरेक्ट टिक कर देते। तो बिल्कुल ध्यान से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और गलतियां तो आप देख ही रहे हो कि कहां कहां जो है किस किस पॉइंट पर गलतियां होने की गुंजाइश है। और ये गलतियां कम कब होंगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करोगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वैसे बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किए और बिल्कुल फास्ट जो है सॉल्व किए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन 1 to √3 1/(1+x²dx) इट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए है पाई ओवर थ्री, ऑप्शन बी है 2π/3, ऑप्शन सी है π/6 एंड ऑप्शन डी π/12। फटाफट कीजिएगा क्वेश्चन, एक मिनट देता हूं इस क्वेश्चन को, और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अब आपने क्या करना है, आज मुझे लगता है कम से कम 12 या 15 क्वेश्चन जो है हमने कर लिए, तो इनके और टाइप्स आपको करने हैं, कम से कम दो दो क्वेश्चन तो और करने हैं, तो आपको एटलीस्ट आज 30 से 45 क्वेश्चन जो है करने हैं। और अपने टारगेट को मत भूलिएगा जो आपको दिया गया है एक महीने के लिए। कीजिएगा क्वेश्चन 1/(1+x²), बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन तो मुझे लगता है आपको पता लग गई होगी कि इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी, तो उसके बाद है लिमिट्स पुट करनी है और क्वेश्चन अपने आप जो है ये सॉल्व हो जाएगा। कीजिएगा सॉल्व फटाफट। एक मिनट आपका हो चुका है, आशा करता हूं कि आपने जो है क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए कि मैं फिर भी सॉल्व करवा देता हूं, डायरेक्ट करूंगा, क्या आएगा? टेंजेंट इनवर्स एक्स, इस स्पीड से देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। क्या करेंगे हम? टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टेंजेंट इनवर्स √3 कितना होगा बताएं? π/3 माइनस कितना आ गया 1π/4। ट्रिग्नोमेट्री में किए हैं सारे काम। एलसीएम कितना आ गया 12, बस इसके आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। दिस विल बी अवर राइट आंसर। एलसीएम 12 है, फिर भी देख लेते हैं 4π-3π दैट इज इक्वल टू π/12 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। तो बस इसी स्पीड से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कब हो पाएंगे सॉल्व? नंबर वन आपकी प्रैक्टिस होगी, नंबर वन आपको फॉर्मूला आते होंगे, नंबर थ्री आपकी अप्रोचेस जो है ठीक होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे, और हाँ प्रैक्टिस तो मस्ट है। तो देख लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको फ्यूचर में भी मिलेंगे जो कमीशन हमारा होगा। अगर आप अच्छे से बारीकी से जो है अच्छे से समझ के सोच समझ के क्वेश्चन को अभी सॉल्व करोगे, तो एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इंटीग्रल इंटीग्रल के 10 के 10 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ठीक होंगे। ठीक है, कल मैं इसके ऊपर थोड़े और फॉर्मूलाज आपको करवाऊंगा। आशा करता हूं आज की क्लास में जितना आपको पढ़ाया गया, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हमने किए हैं आज। ठीक है, तो इसके ऊपर दो दो क्वेश्चन आपको और करने हैं। आपको होमवर्क का आज का टारगेट है कम से कम 30 क्वेश्चन का। ठीक है, 15 जिसमें हमने ऑलरेडी कर लिए, इन 15 के साथ साथ 15 आपको और करने हैं, हार्डली 1 घंटा लगेगा आपको, तो जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई चीजों के साथ, नए फॉर्मूला के साथ, और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।